नमस्कार, प्रेरणा समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री मनमोहन वैद्य जी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर राजनीतिक मसला नहीं बल्कि हिंदुओं की आस्था का विषय है। ओडिशा में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक शुरू होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पश्चिम बंगाल में हत्याओं का दौर चल रहा है, इसके शिकार संघ के स्वयंसेवक भी हो रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। अनुच्छेद 370 से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यह अस्थायी था, वर्तमान सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर सराहनीय कदम उठाया है। अब बात करते हैं संस्कृत भारती संस्था की। संस्कृत भारती चाहती है कि देश के सांसद संस्कृत भाषा सीखें और बोलें, जिससे संस्कृत को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिल सके। संस्था के अखिल भारतीय संयोजक श्री दिनेश कामत जी ने बताया कि इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से बातचीत हुई है और उन्होंने सांसदों के लिए 1 घंटे का दैनिक कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया है। अब संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी से बात की जाएगी। पहले बैच में 30 से 40 सांसदों को संस्कृत सिखाने का लक्ष्य है। और अब जान लेते हैं 18 अक्टूबर का इतिहास। वरिष्ठ प्रचारक श्री सोहन सिंह जी का जन्म 18 अक्टूबर 1923 को बुलंदशहर जिले में हुआ था। 6 वर्ष की अवस्था में वे स्वयंसेवक बने। 1942 में उनका चयन भारतीय वायुसेना में हो गया, पर उन्होंने नौकरी की बजाय संघ का प्रचारक बनना स्वीकार किया। उन्होंने करनाल, रोहतक, झज्जर, अंबाला और दिल्ली का कार्य संभाला। आपातकाल में वे राजस्थान में गिरफ्तार हुए। वे राजस्थान प्रांत प्रचारक, दिल्ली में सह क्षेत्र क्षेत्र प्रचारक, धर्म जागरण विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख और फिर उत्तर क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख रहे। 1948 के प्रतिबंध काल में भी वे जेल गए। वे हरियाणा के संभाग प्रचारक रहे। 4 जुलाई 2015 की रात में दिल्ली में उनका निधन हुआ। मृत्यु के बाद उनके नेत्र दान किए गए थे।